हाय फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाड़ी आज हमारे पास स्विफ्ट है, मारुति सुजुकी डीजल इंजन। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने इग्निशन ऑन किया है और एक बार क्रैंकिंग करेंगे गाड़ी को। यहाँ पे डीजल तो फुल दिखा रहा है, मतलब थोड़ा कम है। एक बार क्रैंकिंग करेंगे गाड़ी को, देखते हैं स्टार्ट होती है क्या। यहाँ पे मैं क्रैंकिंग कर रहा हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो क्लस्टर मीटर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैं बंद करके ऑन करता हूँ फिर से। यहाँ पे जो चेक लाइट है वो तुरंत आनी चाहिए, फिर से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक सेकंड के बाद आती है और यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर एक अड्डे के थोड़ा बाजू में चाबी की लाइट आनी चाहिए, सिक्योरिटी लाइट, जो कि नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही है। वापस से बंद करके स्टार्ट देखता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ चेक लाइट आ रही है और बाकी की चाबी की लाइट नहीं आ रही है। चेक लाइट वो भी लेट में आ रही, तुरंत आनी चाहिए। चाबी मैंने बाहर निकाला है और वापस इग्निशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे इग्निशन ऑन किया, थोड़ा टाइम के बाद लाइट आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में ऑयल की लाइट भी नहीं आ रही है। चेक इंजन के बाजू में ऑयल की लाइट आती है, वो भी नहीं आ रही है, ये देख सकते हो आप लोग। इसके बाजू में ऑयल की लाइट आती है, वो भी नहीं आ रही है। एक बार गाड़ी को स्कैन करेंगे, देखते हैं स्कैनिंग होती है क्या, स्कैनिंग में कुछ फॉल्ट वॉल्ट दिखा रहे हैं क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने स्कैनर लगा दिया है और एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग कर लेता हूँ गाड़ी को, मारुति इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। ओल्ड मीनू और स्विफ्ट है, इंजन कंट्रोल डीजल इंजन। यहाँ पे एरर इन कम्युनिकेटिंग विद व्हीकल ईसीयू, मतलब कि जो हमारा ईसीएम है उसमें स्कैनर हमारा रीड हो ही नहीं रहा है, उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है, तो फॉल्ट नहीं बता पाएगा वो। जब तक यहाँ पे चाबी की लाइट और चेक लाइट प्रॉपर नहीं आएगी, जब तक हमारा फॉल्ट कोड दिखाएगा नहीं, ना ही रीड होएगा उसके अंदर। वापस से दिखाता हूँ तो चेक करेंगे कहीं वायरिंग वगैरह ब्रेक है क्या, एक बार फ्यूज चेक कर लेता हूँ मैं। वायरिंग तो मैंने सारा चेक किया हुआ है, वायरिंग कहीं से काटा हुआ नहीं है, तो एक बार फ्यूज चेक कर लेता हूँ मैं सारे फ्यूज़ अच्छे से, क्योंकि बारिश का भी टाइम है और ईसीएम में पानी वगैरह भी जाएगा, वो भी देख लेंगे साथ में। मैं पहले फ्यूज चेक करता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने वायरिंग वगैरह सब चेक कर लिया है, फ्यूज़ भी चेक किया है, तो कहीं पे प्रॉब्लम मिला नहीं है, फ्यूज़ वगैरह सब ओके है। और मैंने रिले भी जीएम का डाला हुआ है नया, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रिले है जीएम का मैंने ओरिजिनल डाला हुआ है। तो अभी क्या करना है, एक बार हम लोग चेक करेंगे इसमें डीजल के, इसमें डीजल आ रहेगा, क्योंकि डीजल तो आएगा नहीं जब तक चेक इंजन लाइट प्रॉपर नहीं आएगा। यहाँ पर वायरिंग भी चूहे ने शायद से खाया था, लेकिन वायरिंग नहीं खाया, सिर्फ कवर खाया हुआ है। और इधर भी सब चेक किया है मैंने, तो वायरिंग का किधर से इशू लग नहीं रहा है। तो क्या करना है, एक बार ये हम लोग कवर खोलेंगे इसका और इसके ईसीएम के अंदर पानी गया है क्या चेक करेंगे, क्योंकि ईसीएम के अंदर इशू रहता है तो भी प्रॉब्लम आता है। तो एक बार मैं ईसीएम को खोल रहा हूँ और चेक करेंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने वायरिंग सब चेक किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वायरिंग मैंने पूरा खोला था, सब चेक किया है, तो कहीं से कुछ प्रॉब्लम मिला नहीं है और वायरिंग भी प्रॉपर है। तो एक बार मैं ईसीएम खोल के देखता हूँ उसमें पानी गया है क्या। फाइनली गाइस, मैंने ईसीएम खोल लिया है बाहर, यहाँ पे देख सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी गया हुआ है। अभी कंफर्म करने के लिए टेबल पे लेके चेक करेंगे इसको। और यहाँ पे भी, क्योंकि साइड का जो पानी निकालने का जगह है, दोनों साइड का जाम है, तो बारिश का पानी जमा हो के इसमें शायद से घुस गया है। तो एक बार चेक करेंगे, टेबल पे लेता हूँ मैं और
देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा इसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है, तब इसको मैं टेबल भी लेता हूँ और चेक करेंगे। यहाँ पे ईसीएम खोला है हम लोगों ने और देख सकते हो इसमें पूरा पानी गया हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर पे पानी आया हुआ है और पूरा मॉइस्चर आके सड़ गया हो, अंदर भी पूरा पानी गया हुआ है, पानी गया हुआ है अंदर। रीज़न है कि जो हमारा वाईफाई का अंदर का पूरा सिस्टम है वो पूरा जाम था, चौकअप था, तो इसकी वजह से उसमें पानी भर के यहाँ तक अंदर घुस गया पूरा, और यहाँ पे भी शॉर्ट हो गया है इसे, हमें देख सकते हो आप। तो अभी इसको रिपेयर नहीं करेंगे, दूसरा ईसीएम डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास दूसरा ईसीएम है, ये लगा के चेक करेंगे कि हमारा चाबी का लाइट आ रहेगा और ऑयल का लाइट साथ में। इसको अभी फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। वो भी वाईफाई का जो लाइन है पूरा वो भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वो जाम था उसकी वजह से पानी आके इसमें ख़राब हो गया, और पतरा भी सड़ा है, पतरा भी दूसरा डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी ये देखो ये प्रॉब्लम है, तभी दूसरा ईसीएम डाल के देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। यहाँ पे मैंने जूना दूसरा ईसीएम लेके आया है, ये मैंने फिटिंग किया हुआ है और ये हमारा जूना ईसीएम है, मैंने यहाँ पे जूना ईसीएम लगाया है, अच्छा ईसीएम है, अपने पास से मैंने लगाया कोटिंग करके, इसमें पानी गया हुआ था। तो अभी एक बार इग्निशन ऑन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। यहाँ पे मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ, मैंने इग्निशन ऑन किया है और आप लोग देख सकते हो पहले ऑयल की लाइट नहीं आ रही थी और डीजल की भी लाइट नहीं आ रही थी, अभी आने लगी है। वापस से बंद करके ऑन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी लाइट भी हमारी आ गई है प्रॉपर, और जो चेक लाइट रुक के आ रहा था अभी तुरंत आ रहा है, पहले चेक लाइट एक सेकेंड दो सेकेंड के बाद आता था, जो कि अभी तुरंत आ रहा है। वापस से एक बार दिखाऊँगा आपको, यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा लाइट नहीं आ रहा था, चेक लाइट लेट में आ रहा था, चाबी की लाइट आ ही नहीं रही थी, ऑयल की लाइट भी नहीं आ रही थी साथ में, तो अभी प्रॉपर आने लगी है। और एक बार इंजन को क्रैंकिंग करेंगे, देखते गाड़ी स्टार्ट होती है क्या। तो यहाँ पे हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे कोई लाइट भी शो नहीं कर रही है, चेक इंजन लाइट वगैरह प्रॉपर है। वापस एक बार बंद करके स्टार्ट करेंगे, तो वापस से इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन किया मैंने, लाइटें सारी आ गई प्रॉपर, और एक बार फिर से स्वेल्प मारेंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इंजन स्टार्ट करो वापस से, इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है। रीज़न क्या है ईसीएम ख़राब होने का वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में पूरा पानी भरा हुआ है, इसका जो होल है वो चौकअप है, बंद है, और लेफ्ट साइड में भी देखेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा पानी जमा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पतरा भी इसका सड़ा हुआ है। यहाँ पे पानी जमा हो के ईसीएम के अंदर जाता है और ईसीएम को शॉर्ट कर देता है, देख सकते हो। यहाँ पे मेरा जूना ईसीएम है और यहाँ पे मैंने गाड़ी में लगाया हुआ है दूसरा ईसीएम, अच्छा फ्रेश, और इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो हमारा ईसीएम भी रीड नहीं हो रहा था वो भी देखेंगे, इग्निशन को ऑन रखा मैंने, मारुति इंडिया में सिलेक्ट करता हूँ। पहले ईसीएम में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था, और अभी रीड हो रहा है क्या वो भी देख चेक करेंगे, और जो उसके अंदर फॉल्ट कोड है हिस्ट्री में वो भी क्लियर करेंगे साथ में। यहाँ पे स्विफ्ट है, इंजन कंट्रोल, डीजल इंजन, यहाँ पे देख सकते हो रीड हो गया है, पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आ जाता था लेकिन अभी रीड हो रहा है। वापस से रीड फॉल्ट कोड करेंगे, यहाँ पे एक्चुएटर सप्लाई वोल्टेज का, क्योंकि ईसीएम खुला हुआ था पहले इसीलिए सब फॉल्ट कोड आ रहे थे, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये सक्सेस रीड फॉर गुड,
तो यहाँ पे नो फॉल्ट डाटा है, वापस से रीड करेंगे, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। इंजन को स्टार्ट करेंगे वापस से, इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है, जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। गाइस, आज भी हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल इंजन था, इसमें कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम था और किचन के अंदर पानी गया हुआ था। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चेक किया, स्कैनर लगाया तो रीड नहीं हो रहा था, तो फ्यूज वगैरह रिले वगैरह सब चेक किया, प्रॉब्लम ईसीएम के अंदर मिला क्योंकि पानी घुस गया था उसके अंदर, ईसीएम में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। मैंने दूसरा ईसीएम डाला है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।